फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज। अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर हूँ मॉर्निंग करंट अफेयर्स का वीडियो। आज 8 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले के सारोपाट डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। बात करें मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले के सारोपाट डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। यह इस क्षेत्र में सारोपोट की खोज की पहली घटना है। उनकी गर्दन लंबी, छोटे सिर, लंबी पूंछ और स्तंभ की तरह चार पैर होते थे। मेघालय ऐसा पांचवा राज्य बन गया जहां सारोपाट के साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले यह गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इस तरह के साक्ष्य पहले ही मिल चुके हैं। चलिए आपको मेघालय के बारे में बताते हैं। मेघालय का गठन 21 जून 1972 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री कॉनरेड के संगमा, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है सत्यपाल मलिक, कैप्टन सिंह लौंग, फर्स्ट सीएम डब्ल्यू संगमा, फर्स्ट गवर्नर बी के नेहरू जी। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। मेघालय हाईकोर्ट मेघालय में है। चीफ जस्टिस हैं विश्वनाथ सोमदिर जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मेघालय। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगली वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज़ को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। PDF को ओपन करने के लिए आपको सिंपली 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक करके बताया जाएगा। फर्स्ट डिजिट नोट कर लें आप लोग, फर्स्ट डिजिट है 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किस शहर में राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन मुंबई में सांसद राहुल सेवाले ने किया है। यह केंद्र दादर के कोहिनूर स्क्वायर टावर की पार्किंग में स्थापित किया गया है। यह अपनी तरह का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर सुविधा ऐसे समय में नागरिक को उपलब्ध कराई गई है जब विकलांग लोगों को टीकाकरण केंद्र में आने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आपको महाराष्ट्र के बारे में बताते हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल मुंबई, फर्स्ट सीएम यशवंतराव चौहान, फर्स्ट गवर्नर जॉन कॉलविल्ले जी। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 36। बॉम्बे हाईकोर्ट महाराष्ट्र के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में महाराष्ट्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राष्ट्रीय लोकदल यानी कि RLD के अध्यक्षों किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चौधरी अजीत सिंह जी का। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का 6 मई 2021 को निधन हो गया। अजीत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे थे। चौधरी अजीत सिंह ने साल 1986 से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। वे बागपत से 7 बार सांसद रह चुके हैं। अजीत सिंह केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं। वे चलिए चलते हैं आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे चौधरी अजीत सिंह जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए न्यूनतम से कितने करोड़ रुपए के कर्ज देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 50,000 करोड़ रुपये की। RBI ने मार्च 2022 तक COVID-19 से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपये की विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है। इसके जरिए बैंक रेपो रेट पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, वैक्सीन ट्रांसपोर्ट, निर्यातकों को आसान किस्तों पर लोन उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त अस्पतालों, हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। इस नए कर्ज की मियाद 3 साल तक होगी और यह रेपो दर पर मिलेगा। चलिए अब आपको RBI के बारे में बताते हैं। RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई, प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट गवर्नर सर ऑस्बॉर्न स्मिथ, जो कि एक नॉन इंडियन थे।
फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख, फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर के ज्योतिषी, इसके लोगों में पांथरण पाम ट्री है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आज का, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन कोजीत। बात करें भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के कोविड-19 प्रयासों को समर्थन करने के लिए ऑपरेशन कोजीत शुरू किया है। इसका उद्देश्य चिकित्सा बुनियादी ढांचे और ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और लोगों की मानसिक भलाई सुनिश्चित करना है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के कर्मी ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला को बहाल करने में मदद करने में लगे हुए हैं। कोविड बेड स्थापित करना और प्रशासन को सहायता प्रदान कर रहे हैं। चलिए चलते हैं, आपको सेकंड डिजिट बता दें, सेकंड डिजिट नोट कर लें आप लोग, सेकंड डिजिट है 0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त शिप का क्या नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मे फ्लावर 400। यहाँ इसको कर लीजिएगा 600। बात करें मेफ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। यह 15 मीटर लंबा और इसका वजन 9 टन है। यह मूल रूप से एक ट्रिमन है। बात करें यह पूरी स्वायत्तता के साथ नेविगेट करता है। जहाज समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करना और पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करना है। इसे टकराव से बचाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रकार जहाज खुद को सही कर सकता है। इसे 100 घंटे के ऑडियो डेटा के साथ प्रशिक्षित किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आज का, बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में किसको आइकन अवार्ड सम्मान मिलेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंगर पिंक को। बात करें सिंगर पिंक को द्वारा किस बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इस पुरस्कार का उद्देश्य उन कलाकारों को सम्मानित करना है जिन्होंने बिलबोर्ड चार्ट पर सफलता हासिल की है और संगीत पर एक अमिट प्रभाव छोड़ा है। पिंक पिछले सम्मानितों में शामिल हुए जिनमें नील डायमंड, स्टीव वंडर, प्रिंस जेनिफर लोफेज, सेलिन डायन, चेर, जेनेट जैक्सन, मारिया केरी और गार्थ ब्रूक्स शामिल है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, यह सिंगर पिंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का निदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रमन मीनाक्षी सुंदरम को। रमन मीनाक्षी सुंदरम को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एक शाखा भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इस उन्नति से पहले वह संस्थान के फसल सुधार अनुभाग में प्रधान वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहे थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खुला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल में। यूनेस्को की ओरोको वर्ल्ड जियोग्राफी की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका पुर्तगाल में खोला गया। अरोका ब्रिज अपने स्पैन में आधा किलोमीटर की पैदल दूरी पर है। इसके साथ केबल से निलंबित एक मेटल वॉकवे भी है। लगभग 175 मीटर नीचे एक झरने से पाइवा नदी बहती है। पुल वी आकार के कंक्रीट टावरों के बीच फंसे स्टील केबल्स पर लटका हुआ है और पाइवा नदी के किनारे को जोड़ता है। रिकॉर्ड तोड़ने वाले इस पुल को बनाने में कई साल लगे और इसे पुर्तगाली स्टूडियो इटकॉन्स ने डिज़ाइन किया था। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए आपको पुर्तगाल के बारे में बताते हैं। पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। पुर्तगाल की मुद्रा है यूरो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में THDCIL के CMD का पदभार किसने संभाला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विजय गोयल जी ने। THDC इंडिया लिमिटेड ने घोषणा किया कि विजय गोयल अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण कर चुके हैं। उनकी नियुक्ति 1 मई 2021 से लागू हो चुकी है। वे 1990 में NHPC लिमिटेड के एक वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी के रूप में कंपनी में शामिल हुए थे। उनके पास मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में 35 से अधिक वर्षों का विविध अनुभव है। चलिए आपको THDC का फुल फॉर्म बताते हैं। THDC का फुल फॉर्म है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए चलते हैं, आपको थर्ड डिजिट बता दें, थर्ड डिजिट है
4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। इन संकेतों का पता तब चला जब इस स्पेस प्रोब ने शुक्र के ऊपरी वायुमंडल पर उड़ान भरी है। पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र के वायुमंडल को भी मापा है। या 30 वर्षों में शुक्र ग्रह के वायुमंडल का पहला प्रत्यक्ष माप है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किसने चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, AICF। बात करें ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने महामारी से प्रभावित चेस समुदाय की मदद के लिए चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है। इस पहल की शुरुआत FIDE यानी वर्ल्ड चेस फेडरेशन के अध्यक्ष आर्केडी डोरकोविच, 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद, विश्व रैपिड चेस चैंपियन कोनेरू हम्पी, AICF के अध्यक्ष संजय कपूर और सचिव भरत सिंह चौहान की उपस्थिति में की गई है। चलिए आपको AICF के बारे में आते हैं। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष संजय कपूर, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच प्रवासी आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। बात करें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिटेन के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। या समझौता ज्ञापन भारत सरकार और ब्रिटेन की महारानी की सरकार तथा उत्तरी आयरलैंड के बीच हुई है। इस समझौता ज्ञापन से भारतीय छात्रों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं, पेशेवरों और आर्थिक कारणों से प्रवास करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। चलते हैं पिछले दिन के वन लाइन करंट अफेयर्स को रिविजन कराते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स 5 मई को मनाया गया। बात करें उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है। बात करें कांगो देश ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है। कोटेक महिंद्रा लाइफ ने महेश बालासुब्रमण्यम को अपना नया MD नियुक्त किया है। बात करें स्ट्रेटो लॉन्च द्वारा दुनिया का सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा हुआ है। दिल्ली राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने कार्ड धारकों को मुफ्त राशन या ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित मानस बिहारी वर्मा का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ICC के भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के लिए नुआन जोसा पर 6 साल का प्रतिबंध लगा। आपको ICC के वर्तमान चेयरमैन के का नाम लिखना है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी बताना है। बात करें वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन हाल ही में मार्क सेल्वी बने हैं। बात करें मारिया रेसा यूनेस्को विश्व प्रसन्नता पुरस्कार 2021 सम्मान के लिए नामित किए गए हैं। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन था जम्मू कश्मीर के किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, जग मोहन का। क्वेश्चन नंबर 2 था हाल ही में शिवराय टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किसने किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, SBI YONO। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? चलिए चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। UK स्थित वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने भारत के GDP विकास अनुमान को 2021-22 के लिए अपने पहले के 11% के अनुमान से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियो के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज को ज़रूर ज्वाइन कर लें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। आज का लास्ट डिजिट नोट कर लें आप लोग, लास्ट डिजिट है 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग।